जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाबर अनवर। मेरा नाम है, ट्रैवल अपडेट्स आपको इस चैनल पे मिलती रहती हैं। आज बात करना चाह रहा था हज एप्लीकेशंस के हवाले से। आपको बाकी सोर्सेस से भी इसकी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि जो लास्ट डेट टू सबमिट गवर्नमेंट हज पॉलिसी की 12 दिसंबर 2023 थी, उसको एक्सटेंड करके 22 दिसंबर 2023 कर दिया गया है। उसकी वजह यही है कि जो कोटा हमें अलॉट होता है गवर्नमेंट पॉलिसी के हवाले से, वो 50% भी कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन इस तरह की है कि लोगों ने एप्लीकेशन सबमिट नहीं की। लेकिन अभी भी जो लोग हज पे जाने के ख्वाहिशमंद हैं और लब्बैक का विर्द अपना जारी रखें, उन लोगों के लिए ये एक्सटेंशन मिल गई है मजीद 10 दिन की, कि 22 दिसंबर 2023 तक अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। और न्यूज अब तक की यही है कि बैलेटिंग नहीं होगी, यानी कि कुरानदाजी नहीं होगी, क्योंकि अगर वो जो कोटा एलोकेशन का जो लिमिट होता है अगर वो एक्सीड होता है उस सूरत में बैलेटिंग होती है। अगर उसके अंदर या उतने ही एप्लीकेशन सबमिट होती हैं तो फिर कुरानदाजी भी नहीं होती, यानी जो जो एप्लीकेंट अपनी एप्लीकेशन डालेगा उसको 100% होगा कि वो अप्रूव हो जाएगा और हज पे वो गवर्नमेंट स्कीम के तहत ट्रेवल कर सकेगा। और जो इनकी प्राइसिंग थी 10,65,000 रुपए, इसमें भी सुनने में है कि शायद कुछ कमी होगी, कुछ इसके अंदर डिस्काउंट वगैरह ऑफर किया जाएगा। अब इसको आप किस तरह से करते हो, वो बैंक के थ्रू होते हैं। आपने कॉलर ट्यून्स वगैरह में भी सुना होगा, 12 या 15 बैंक्स हैं जो हज गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। तो आप उस किसी भी रेलिवेंट बैंक के थ्रू, जो भी आपके नियरेस्ट ब्रांच हो, वहां पर अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। गवर्नमेंट हज भी होता है ये, जब आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप प्राइवेट हज की तरफ जाते हो। प्राइवेट हज गवर्नमेंट के मुकाबले में थोड़ा सा महंगा होता है, और ओवरसीज भी पाकिस्तानी भी जो है इसके अंदर एनरोल किए जा सकते हैं। और इस बार इन्होंने ये किया कि जो पहले शरायत हुआ करती थी कि अगर आपने लास्ट 5 साल में हज परफॉर्म किया हुआ है तो आप सबमिट नहीं कर सकते, अब वो शर्त भी खत्म कर दी गई है गवर्नमेंट के अंदर भी, कि आप अगर लास्ट बैक टू बैक भी जाना चाहते हो तो भी कर सकते हो। प्लस हज बदल का भी कुछ मामला होता है, ये भी आप रेलिवेंसी अपने नियरेस्ट ब्रांच से चेक कर सकते हो। प्राइवेट हज जब अनाउंस होगा तो वो प्राइवेट कोटा के तहत होगा, और वो गवर्नमेंट कंप्लीट होने के बाद होता है, और वो प्राइसेस गवर्नमेंट हज के मुकाबले में थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं। फैसिलिटीज दोनों सूरतों के अंदर आपको पूरी मिलती हैं, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। प्राइवेट में आपको ये होता है कि जमारात के करीब जो वहां पे कैंपिंग्स वगैरह होती हैं वो मिलती हैं, फैसिलिटीज कुछ प्लस स्टैंडर्ड की होती हैं। इसके अलावा सारी फैसिलिटीज दोनों सूरतों में आपको मुकम्मल दी जाती हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आप लाइक कर सकते हो और चैनल को ट्रैवल अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।